आर हेडिंग टूवर्ड चंडीगढ़ एंड आई नो मैं बहुत टाइम के बाद कोई वीडियो निकाल रहा हूँ एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड अल्फा म्यूजिक फेस्टिवल ठीक। और मैं रैंडम ऐसे मतलब मैं काम रूम से सीधा मैंने ले लिया एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन सीधा मेरी शताब्दी है नई दिल्ली से और मैं 8:30 बजे आकर चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगा गोइंग टू स्टे इन दी सेम होटल होटल कॉर्पोरेट एंड बुकिंग वगैरह सब कुछ हो गई है और थोड़ा सा टाइट शेड्यूल है बट आई एम गोना मेक इट। तो बहुत से बढ़िया आर्टिस्ट आने वाले हैं देयर इज़ वन इंटरनेशनल एक्ट ऑल्सो और बहुत से बंदे चंडीगढ़ का लोकल एक्ट भी है वहाँ पे 2-3 और इंडिया के बहुत नामी जामी लोग हैं। बट लास्ट टाइम मैं हर्ष के साथ आया था अल्फा म्यूजिक में, इस बार मैं अकेले जा रहा हूँ और इस बार मैंने दोनों स्टेजेस का टिकट ले रखा है तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो अभी मैं पहुँचा हूँ ढोला को क्रॉस कर लिया आई गेस विद इन 10 to 15 मिनट्स मैं स्टेशन एंड देन ट्रेन लेके सीधा चंडीगढ़। राइट नाउ और अभी हो रहे हैं 10:00 और मैं बहुत ज़्यादा शैबी लग रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है भाई कपड़े की प्रेस नहीं, दाढ़ी भी नहीं बना रखी, अभी कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि बहुत मतलब छोटे से समय के अंदर अंदर ये ट्रिप मैंने प्लान करी है चंडीगढ़ की अल्फा म्यूजिक फेस्टिवल। मुझे इनका पता नहीं 2.0 3.0 कौन सा बट आई एम अटेंडिंग फॉर द सेकेंड टाइम एंड बहुत से आर्टिस्ट हैं स्पेशली देयर इज वन इंटरनेशनल एक्ट जो मैंने ऑलरेडी बताया था एंड देन चंडीगढ़ के लोकल एक्ट्स भी हैं और ऑल ओवर इंडिया वहाँ से भी कुछ एक्ट्स आ रखे हैं तो इट्स गोना बी अ मैसिव इवेंट और मेरे लिए क्योंकि मैं खुद 1.5-2 महीने बाद ये इवेंट अटेंड करने वाला हूँ। तो भाई तुम्हें ऑलरेडी पता होगा बॉयलर रूम चंडीगढ़ देन उसके बाद तुम्हारा अल्फा म्यूजिक फेस्टिवल मैंने कॉल जो पहली बार आया था चंडीगढ़ ये सब सेम मेन्यू पे फॉरेस्ट हिल एंड गोल्फ रिजॉर्ट ऐसे ही है कुछ यहाँ से कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ पर मैं स्टे कर रहा हूँ होटल कॉर्पोरेट इन सेक्टर 17A एंड कुछ बताने को है नहीं। यहाँ पे आया था तो कुछ बेकरी वगैरह कुछ थी नहीं तो मैंने नीचे से ही एक बर्गर और एक सैंडविच करा लिया था अब वो खा के सीधा चलते हैं एंड लेट्स सी कि लास्ट ईयर से लेकर इस ईयर तक क्या चेंजेस है और क्या अपग्रेड करे हुए हैं क्योंकि आर्टिस्ट में तो अपग्रेड हैं बट लास्ट टाइम अर्जुन वागले ड्यूअलिस्ट इंक्वायरी पता नहीं क्या क्या नाम थे। इस बार थोड़े से नाम मतलब आर्टिस्ट ज़्यादा हैं बट उतने फेमस नाम नहीं है बट यू नो जो अंडरग्राउंड सीन है वो भाई ऐसा ही है वैसे। So let's go. We'll be right back.
Yeah.
फाइनली जो है आज का अल्फा म्यूज़िक फेस्टिवल ख़त्म हो गया। ख़त्म होने से पहले मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया था इधर, क्योंकि मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिप है ये। अगर तुम मेरे से पूछोगे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये वाला कैसा गया, स्टेज सेटअप बहुत अमेजिंग, बिना किसी दिक्कत के 10/10। बट बीच में ना थोड़े से टेक्निकल इशूज़ हो रहे थे, थोड़ा सा मतलब एकदम से DJ ट्रैक प्ले करा और एकदम से सब खत्म, साइलेंट एकदम। और जो टनल स्टेज था मैं उस पर जा नहीं पाया, क्योंकि उसमें ऑलरेडी भीड़ थी और लाइन लग रखी थी जाने के लिए। बट मेन स्टेज पे भाई भीड़ अमेजिंग अमेजिंग भाई, मतलब अब ये भी हो सकता है कि मैं 1.5 महीने 2 महीने के बाद कुछ अटेंड कर रहा हूँ, बट यप दैट्स ट्रू। एंड चंडीगढ़ का क्राउड भाई क्रीम क्राउड यू कैन से, और 10/10 दे वर ऑल वाइबिंग। एक होता ना प्रॉपर रे पार्टी काइंड ऑफ, तो वो वाली चीज़ चल रही थी वहाँ पे। एंड मैंने अंदर देखा रेडबुल के भी वो लग रखे थे, स्टॉल रख रखे थे, बडवाइजर के भी थे और एक और बियर के थे।
एंड थोड़ा सा मिनी सनबर्न टाइप था, बट सनबर्न से लाख लाख गुना अच्छा सेटअप कर रखा था। थोड़े बहुत टेक्निकल इश्यूज थे, वो माइनर होते हैं, कोई बात नहीं, वो चलता हर जगह। सनबर्न जैसी जगह पे हो जाता है और मेजर फेस्टिवल में हो जाता है, बड़े बड़े जहाँ चार चार पाँच पाँच स्टेजेस होते हैं, यहाँ पे तो फिर भी दो स्टेज थे, एक टनल और एक मेन स्टेज। मेन स्टेज पर आर्टिस्ट वर्क केलिंग वाइब इतनी क्रेजी, और भी आर्टिस्ट आए थे बियॉन्ड डीजे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, उनके अलावा भी आर्टिस्ट थे, देवर डांसर्स एंड जो आग के साथ खेलते हैं वो लोग भी थे, मुझे नहीं पता उन्हें कहते क्या बेसिकली, बट देवर अमेजिंग। एंड 3 AM भाई, नो डाउट, स्पेशली मैं चंडीगढ़ 3 AM के फर्स्ट अटेंड करने आता हूँ, एंड मुझे अच्छे से याद है फर्स्ट टाइम मैं बॉयलर के लिए आया था, एंड उसमें भी मुझे पता चला कि 3 AM का कुछ पार्ट है, एंड देन एल्फा म्यूजिक फेस्टिवल 1 एंड देन 2, एंड दिस इज़ माई लाइक यू नो कंसेक्यूटिव ईयर आ रहा हूँ मैं, एंड आई होप मैं आगे भी आता रहूँगा। बट हाँ, ये था मेरे को थोड़े से एक्ट्स अच्छे थे आज के, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जहाँ भाई ड्यूअलिस्ट इंक्वायरी और अर्जुन वागले एंड देवर थ्री, एक वो था ट्रायो था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस ट्रायो का यार, बट बहुत क्रेजी ट्रायो था, देवर ऑल इंडियंस, एंड मैंने गोवा में भी सुना उनको, ठीक है, निखिल चिनप्पा के साथ सेटेलाइट बीच में लास्ट ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक, तो भाई इस वाले ब्लॉग को ना असल में यही ख़त्म करेंगे, क्योंकि ना एनर्जी सीरियसली नहीं बची मेरे पास, टोटली नहीं बची, एंड अब ये हो सकता है कि हर वीक वीडियो आए, क्योंकि हर वीक अब फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं, नाउ आई एम गोइंग देयर, और तबीयत भी थोड़ी अच्छी है, साइड बाय साइड मेरे इंस्टाग्राम पे रिएक्शंस वीडियोस भी आती हैं इंडियन प्रोड्यूसर्स के, जो वो ट्रैक्स बनाते हैं, इंटरनेशनल एक्ट के तो हर कोई करता है, इंडियन प्रोड्यूसर्स के कौन कर रहा है, तो आई एम हियर, आई नो आई एम अ स्मॉल गाय, सब कुछ इतना बड़ा नाम वाम नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू प्रमोट EDM इन इंडिया, एंड लेट्स गो, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।